दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने पहुंची मार्क्सवादी नेता वृंदा करात को पहलवानों ने मंच पर आने से मना कर दिया। रेसलर बजरंग पुनिया ने वृंदा करात का आभार जताया और उन्हें मंच से नीचे आने की हिदायत दी। दरअसल देश के जाने माने पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलवानों का कहना है कि ये खिलाड़ियों का धरना है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जो स्टेट की फेडरेशन है, वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन को, एक नए जीवन के साथ बाहर आए। जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा जी। मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए। मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको, मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाए प्लीज। आपसे हजारों की रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है ये। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ विशेष संवाददाता दिलीप काप से जुड़ गए हैं, उनसे समझ लेते हैं। दिलीप जी, बड़ा गंभीर ये मामला है, जब देश के पहलवानों की तरफ से, स्पोर्ट्स प्लेयर्स की तरफ से ऐसा कुछ मामला, ऐसा कुछ बयान सामने आता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। साफ तौर पर पहलवानों का कहना है इसे राजनीतिक लड़ाई ना बनाएं, ये हमारी लड़ाई है, इसे राजनीतिक रूप ना दें। एक तरफ जहां यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम मेडल देश के लिए लेकर आते हैं तब हमें हर कोई पूछता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। कैसे पूरे मामले को देखते हैं आप? ठीक है प्रगति, ये बहुत ही गंभीर मसला है और एक बड़े पैमाने पे ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो है इन रेसलर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, तो ये सभी बहुत सुलझे हुए रेसलर है और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं कि आमतौर पर खिलाड़ियों की जो या किसी भी तरह के जो गैर राजनीतिक लोग जब अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग जो है उस मामले को राजनीति के लिए लपक लेते हैं। तो ये लोग बहुत समझदार हैं और ये जानते हैं कि इनकी लड़ाई को किसी और रुख की तरफ ना मोड़ दिया जाए, किसी और तरफ ना मोड़ दिया जाए। इसीलिए उन्होंने एकदम विनती उनसे की वृंदा जी से और इस मामले को पॉलिटिकल रंग देने से बचने के लिए कहा है। और जो अभी मुझे लग रहा है कि सरकार भी जिस तरह से धरने पर बैठे हैं विनेश और बाकी लोग, तो सरकार भी जो है उनकी मांग को लेकर गंभीर हुई है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण जी जो है वो 22 जनवरी को उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है या वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अब हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले खेल मंत्रालय ने जो है पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया था और वहां पर खेल मंत्री जो है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है बात की है कुश्ती संघ के अध्यक्ष से, ब्रजभूषण से, और ऐसा बताया जा रहा है कि जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम भी बनाई जा रही है और जब तक कि वो पद पे रहेंगे तब तक किसी तरह की जांच करना शुरू नहीं हो सकती किसी तरह की जांच, तो वो 22 जनवरी को उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात तो ये रहेगी कि WFI के जो अध्यक्ष हैं उन्हें हटाने की सभी मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जाता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।